ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में बेहद हैरान करने वाला मामला सौभाग्यवा है। बता दें कि पिता और पुत्र के रिश्ता तार तार करने वाले हैवान पिता का न्यायालय के द्वारा अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई। वह अपने 13 साल के किशोरी बिटिया के संगे पिता के द्वारा बेर बेर दरिंदगी कीन गई रही, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई। तमिल क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम करते शुरू करी थे बेहद चौंकाने वाली खबर से। बता दें कि इंदौर के जिला अदालत के द्वारा 13 साल की किशोरी से बेर बेर दुष्कर्म करने वाले पिता का शनिवार का दोषी मान के अंतिम सांस तक जेल में रखे के सजा सुनाई गई है। अभियोजन के एक अधिकारी के द्वारा यह मेर के जानकारी दी गई है। विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा के द्वारा 32 साल के मुजरिम का भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराध से बच्चन के संरक्षण अधिनियम के संबद्ध प्रावधान के तहत यह दंड सुनावा गया है। अदालत के द्वारा आरोपी के ऊपर 6,000 रुपये के जुर्माना लगाए के साथ ही साथ यह सिफारिश की गए कि दुष्कर्म पीड़िता बिटिया का सरकारी खजाना से 3,00,000 रुपया के मुआवजा अदा की जाए। विशेष न्यायाधीश के द्वारा अपने फैसले में यह टिप्पणी की गए कि केव बिटिया अपने साथ अप्रिय घटना हुए पर अपने पिता से सुरक्षा की अपेक्षा रखती हैं। पर जब पिता अपने बिटिया के साथ हमें घृणित अपराध करे तो समाज से वो लड़की का सुरक्षा कैसे मिली और बिटिया आखिर के पर भरोसा करे। विशेष न्यायाधीश के द्वारा फैसला में यह कहा गया कि बलात्कार के मुजरिम बिटिया के नैसर्गिक संरक्षक हुए के बावजूद घृणित अपराध करके न केवल पीड़िता के भरोसा का तोड़े नहीं बल्कि समाज में पिता के देवतुल्य स्थान के घलाए मजाक उड़ावा गया है। अभियोजन के तरफ से मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील राठौर के द्वारा पैरवी की गए। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले हैवान पिता के द्वारा अपने नाबालिग बिटिया से बेर बेर बता दी कि हैवानियत कीन गई रही, दुष्कर्म कीन गया रहा और इसके साथ ही साथ मुंह बंद रखे की धमकी दीन गई रही कि अगर घटना के बारे में बच्ची केहू से बात करी तो बच्ची के साथ है उसके माँ का मारे के जान से धमकी दीन गई रही। तब बड़ी बात यह है कि रिश्ता जो है कलयुग में तार तार हो रहे हैं और ऐसा भरोसेमंद रिश्ता जोने में एक पिता के ऊपर अपन बच्ची जो उन्हें आँख बंद के भरोसा करा थी, कोनो समस्या हो तो पिता से माता से अपेक्षा होती कि वो मदद कर ही समस्या का समझी पे। ऐसे में जब पिता भक्षक बने संरक्षक हैवान बन जाए तो ऐसे में समाज से बच्ची के सुरक्षा के का कुछ अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला अपराधन के मामला में लगातार जो उन्हें बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बावजूद यमेर की घटना शर्मसार कह दे वाली सौहती हैं, जहाँ न केवल मानवता शर्मसार हो रही है, खून के रिश्तन से भरोसा उठ रहा है और ऐसे में समाज के प्रति जो पिता के छवि है वह जो उन्हें नकारात्मक हो रही है, गंदी हो रही है, जो उनके बेहद चिंता के बात यह था। दे इजाजत रखिए आप अपने परिवार के ख्याल।